मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आगे बढ़े, चलो अब आगे। जी कौन डा हाँ हाँ, चलो दो प्रश्न आ रहे हैं, इनका समाधान कर लो। पहला प्रश्न आपने पूछा तेल कौन सा लगा। बाल में तेल लगाना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कारण क्या है, अगर बाल सूखे हैं तो ज्यादा गटेंगे, टूटेंगे बहुत, इसलिए तेल की आवश्यकता बहुत है बाल को। अब आप ये पूछें कौन सा तेल लगाएं। बाल के लिए सबसे अच्छा तेल है नारियल का, खोपरे का तेल सबसे अच्छा। लेकिन खोपरे का कौन सा तेल, खोपरे का दो तेल आता है, एक बाजार में आता पैराशू, वो खोपरे का तेल नहीं, वो खोपरे के तेल का खुशबू है, खोपरे का तेल नहीं। वो क्या है, लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल है जिसमें खोपरे के तेल का एसेंस डाल के वो बेचते हैं, वो खोपरे का तेल नहीं। तो आप बोलेंगे खोपरे का तेल कहाँ मिलता है, बाजार में मिलता, खुला हुआ मिलता, कोकोनट वाला नहीं बेचता ही पैराफिन। आप पैकेट वाला मतलब बाजार में जाओ किराने की दुकान से, उसके तो खोपरे का तेल दो, वो देगा डब्बे में लेके आओ, बाटली में लेके आओ, अपना बाजार से शुद्ध खोपरे का तेल लेके आओ। और शुद्ध तेल थोड़ा महंगा है, 60-70 रुपए किलो आएगा, कभी कभी 90 रुपए किलो भी उसका भाव हो जाए। तो अच्छा तेल खोपरे का है बाल के लिए। और एक अच्छा तेल है, नहीं मिले खोपरे का तेल तो एक दूसरा तेल है तिल का तेल। तिल का तेल तो समझते हैं आपको, और तिल में दो तरह का तेल आता है, एक काले तिल का तेल और एक सफेद तिल का तेल। जो काले तिल का तेल है वो सबसे अच्छा है। ना मिले तो सफेद तिल का तेल भी ले सकते हैं, तो तिल का तेल ले सकते हैं। पहले लेना खोपरे का, ना मिले तो तिल का। और एक तेल है जो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बादाम का तेल। बादाम देखा, ये थोड़ा महंगा है क्योंकि बादाम ही 200-250 रुपए किलो है, तो तेल तो उसका और भी महंगा है। लेकिन जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो जरूर इसको वापस सकते हैं बादाम का तेल। और एक आखिरी तेल जो सिर में वापस सकते हैं उसका नाम है जैतून का तेल। जैतून एक झाड़ होता है, जैतून उसका नाम है, अंग्रेजी में ऑलिव कहते हैं, उसका तेल भी बाजार में है, वो भी बाल के लिए बहुत। लेकिन प्रश्न वही है, जैतून बहुत महंगा है और बादाम उससे भी ज्यादा महंगा है, ये दो तो महंगे हैं, लेकिन तिल का तेल सस्ता है और खोपरे का तेल सस्ता है, तो खोपरा और तिल का तो कोई भी वापस सकते हैं, जैतून और बादाम का जिसके पास पैसे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तेल तो जरूर लगाना, बाल तो बिना तेल के रहेंगे तो खराब। अभी आप ये पूछेंगे कभी लगाना तेल, तो हमेशा तेल रात्रि को लगाना, दिवस में नहीं, कभी भी नहीं, तेल हमेशा रात्रि को लगाना और सोने से पहले लगाना। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो तेल की मालिश करके तब सोना, और सकाड़ी उठने के बाद आप उसको रीठा की कटाई से धोना। कभी भी तेल दिन में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, तेल जो है ना आप लगाते हैं उससे ज्यादा उसकी मालिश होनी चाहिए। मालिश होने से क्या होता है ना, कफ की कमी होती है शरीर में, और रात को शरीर में कफ ज्यादा होता है,
तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब कफ ज्यादा है उस समय दिल की मालिश करो तो कफ कम हो जाए तो नींद अच्छी आती है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है, शरीर का विकास और ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए रात्रि को तेल लगाना सबसे अच्छा है। बच्चों को भी बड़ों को ठीक है। अब थोड़ा